नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 38 में। भाजपा से संभावित एवं प्रबल दावेदार हो सकती है रंजना अग्रवाल पार्षद पद की वार्ड नंबर 38। और यहां पर कैंप लगाया गया है कि फैमिली आईडी कार्ड एवं जो अन्य राशन कार्ड या अन्य जो सरकारी योजनाएं उनको हर गरीब तक किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। तो वो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और भाजपा के नेता है मुकेश अग्रवाल, और जिले में सचिव की इन्हें जिम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के द्वारा। इनसे हम जान लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इन लोगों से जानेंगे। आप अब की बार यहाँ पर जो वार्ड नंबर 38 में बैठे हैं, किसको वोट करेंगे पहले दे बताएं आप। हाँ जी, वोट किसे करेंगे? ये भाई साहब उठे हैं ना, ये भाई साहब नहीं, नाम पहचानते? नाम हम नहीं पहचानते, नाम नहीं पहचानते। क्या इनको इनमें जानते हो जो वोट लग रहा है? पढ़े लिखे हम लोग नहीं है, हम दे देंगे वोट तो हम लोग इनको देंगे। हाँ हाँ, चलिए कैमरा एक बार दिखा दीजिए जिससे पता चल जाए इनकी तरफ। आप जानते हैं किसके कार्यालय में बैठे आप जी? किसके पे बैठे हैं? मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल जी के। ये कुछ काम वाम भी कराते हैं ऐसे ही है बस? कराते हैं ना, काम कराते हैं। क्या दिखाओ जरा, दिखाओ आयुष्मान कार्ड। ऐसे दिखाओ, क्या किया आपके लिए बताओ ना। आयुष्मान कार्ड बनाए। आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया इन्होंने जी? तो आप अब की बार किसके साथ हैं, वोट कैसे देंगे? चलिए देखिए, सीधा सवाल है भैया, शोर मत दा भाई, एक बार शोर मत। आप बताएं जी किसके साथ हैं, किसको चुनाव में वोट देंगे अब की बार? इनके साथ हैं जी, इनके साथ हैं। नाम बताओ इनके साथ क्या? रंजना। रंजना क्या, रंजना अग्रवाल ने कुछ काम किया आपके लिए? सब बैठे हैं अभी, करवा रहे काम करवा रहे हैं। आप बता जी। सर हम भी अग्रवाल जी के साथ ही हैं, रंजना जी के साथ हैं। क्यों रंजना अग्रवाल के साथ क्यों हैं? क्योंकि सर बस सर हमारा काम करवाते हैं। काम कराते हैं आप जी? सर आप अपना नाम बताएं। रीना। कहाँ रहती हैं? इंदिरानगर। इंदिरानगर में जी। तो रीना जी आप एक बताओ, सिर्फ आप व्यक्तिगत आपका ही काम कराया है, अन्य लोगों का भी काम करा रहे हैं? अन्य लोगों का भी करवाया है। करवाया है जी सर। तो बोले ठीक लोग हैं, बढ़िया लोग। चलिए देखिए, हम इस तरीके के सवाल जानबूझ के इसलिए करेंगे जिससे कि इंदिरा नगर के लोगों को, वार्ड 38 के लोगों को पता चल सके कि कौन व्यक्ति किसके साथ है और क्यों, क्योंकि कारण होना बहुत जरूरी, उस कारण को जानना हमें चाहिए। आप बताइए वार्ड 38 में जो है ये मुकेश अग्रवाल जो काम करा रहे हैं, आपका क्या कोई काम कराया नहीं कराया? हमारे वो आश्रम कार्ड बनवा दिए। बनवा दिया? फार्म मैंने भरवा दिए। फार्म भरवाए? हाँ फार्म भर दी मैडम। इनका काम सराहनीय है, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं ना? हाँ हाँ कर रहे हैं, हमारे लिए वो फार्म भर दिए, आ जाएंगे हमारे। चलिए आप ये देखें, देखिए इनका स्टाफ यहाँ पर निरंतर बैठा हुआ है, स्टाफ निरंतर काम कर भी रहा है, और इधर बुजुर्ग महिलाएं भी इनसे मिलवा लेते हैं। आपका शुभ नाम? हाँ कर तो रहे हैं सर जी। सब मेरा नाम शाहीन है। कहाँ किसको करेंगे आपके बारे में? अब सर जी को करेंगे, सर जी हमारा काम करते हैं। काम कराते हैं आपका सर जी? नहीं हाँ कर देते, कर देते, हाँ कर देते। माता जी आप बताएं। देखो आज पहली बार मैं अभी इनके पास आई हूँ। एक बार मैंने ये 5 लाख 2.5 लाख इनकम दिखा रखी है, मैं विधवा हूँ। चाहे मुझे विधवा समझ ले, अच्छा बुढ़ापो समझ ले, लाठी से चलती हूँ मैं, लाठी से चलती हूँ मैं। मेरे पति नहीं है, मेरे दो बेटा मर गए। कितनी इनकम दिखा रही है? और मेरे 2.5 लाख इनकम। एक आप मेरे बेटा की, ये गलत हो रहा हमारा। ये मजदूरी करने वाले आदमी 10,000 रुपए सैलरी होती है, 10,200। क्या नाम आपका? जय प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? मेरे बेटा है। अच्छा ये बताएं भाई साहब, अब की बार पार्षद कैसे चुनेंगे? कि वार्ड नंबर 38 से चुनाव हमको जो कोई अच्छा काम, जो काम करके बढ़िया देगा, जो काम हम अभी पहली बार इनके पास आए हैं, पहली बार। एक दिन इनकी मीटिंग में गए हम कॉलोनी में, हम इनके पास अभी पहली बार आए हैं, हमारे काम कराएंगे, हम इन नहीं चुनेंगे। व्यवहार ठीक है इनका? अभी पता पड़ेगा, देखो हमने बढ़ते नहीं है। पहला पार्षद है वो तो अभी कुछ काम किया नहीं, उनने कुछ बेकारी पार्षद। धर्मपाल ने कुछ नहीं करा, धर्मपाल हमारी गली में पानी की समस्या है, हमारे काम कराएंगे हम। ट्यूबवेल लगवाने के लिए इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपके बताओ? सनी। सनी, जो मुकेश अग्रवाल जिनके कार्यालय पर हम और आप दोनों खड़े हैं इस समय, ये कोई काम कराते भी है ऐसी हवा हवाई है? काम कराते हैं जी। क्या काम कराया? आयुष्मान कार्ड बना। दिखाओ जरा ऐसे बेटा, ऐसे उठा के दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे पकड़ो कैमरे की तरफ दिखाओ। अच्छा ये आपका आयुष्मान कार्ड बनवाया इन्होंने? चलिए चलिए देखिए, इस तरीके की मैं आपको सवाल इसलिए था सभी से हम नारा करने का, जैसे आम गरीब तक जो चुनाव के उम्मीदवार हैं चुनाव में पार्षद के, क्या वो लोग सच में ही इनके लिए मेहनत कर भी रहे हैं या सिर्फ दिखावा? तो हमने सीधे तौर पर पूछा था, उन्होंने सबने कहा है कि मुकेश अग्रवाल हमारे लिए दिन रात इस तरीके की सेवाओं में लगे रहते हैं जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक मिल सके। मुकेश जी, मुकेश जी आपसे सीधा सवाल, जो ये महिलाएं सभी बैठी हैं
अब तक कितने लोगों को सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं से आप फायदा दिला चुके हैं? देखिए, सबसे पहले हमने इनके आयुष्मान कार्ड बनाए, करीब हमने 1600 कार्ड हमने इनके बना दिए हैं और उनको हम वितरित कर रहे हैं। पीछे हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें नरेंद्र गुप्ता जी आए थे, उनके माध्यम से हमने 1173 कार्ड वहाँ बांटे और बाकी जो कार्ड बने हुए हैं डेली हम 50 कार्ड या 40 कार्ड डेली हम इनको बांट रहे हैं। आज भी हमने काफ़ी लोगों कार्ड बांटे हैं और आज बन भी रहे हैं। जो आज कार्ड बनेंगे उनको कल बांट देंगे, कल इनको बीच में वितरित कर देंगे। जी अच्छा, देखिए ये तो सारी चीज़ें होगी, आपने ये तो कार्ड वाली जो अभी बात है तो महीने दो महीने चलनी है, उसके बाद ख़त्म। आपसे एक सवाल ये है कि वार्ड 38 से आपको लोग वोट क्यों दें? देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है तो हमने केंद्र की जो योजना है, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं केंद्र की, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, खाली एक आयुष्मान कार्ड की ही योजना नहीं है, हमारे अन्य की भी योजना है, जैसे बीपीएल कार्ड है। अभी 3 से 4 दिन से क्या हो रहा है कि इनको लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपका बीपीएल कार्ड कट गया है, आप पात्र नहीं है। तो हमने उन लोगों से संपर्क किया और वो हमारे ऑफिस में खुद आ रहे हैं, तो हमने प्रशासन से जानने की कोशिश की है। और कल मनोहर लाल जी का एक स्टेटमेंट भी हमने अखबार में पढ़ा था कि किसी का भी पात्र व्यक्ति का अगर बीपीएल कार्ड कटा है तो अफसर की गलती से कटा है तो डबल राशन उसको देना पड़ेगा और अफसर को दंडित किया जाएगा। तो हम इनकी इनकम को दोबारा वेरीफाई कराएंगे जिससे कि इनका बीपीएल कार्ड ना कटे। कुछ ऐसे पात्र लोग हैं जिनके बीपीएल की पीछे सर्वे हुई थी, उसमें उनका नाम नहीं आ पाया था किसी वजह से, लेकिन अब हम उनको इनकम वेरीफाई करा के उस सूची में उनका नाम डलवाएंगे। सर, सवाल मेरा ये था कि सभी उम्मीदवार अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी माहौल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और फरवरी में जहाँ तक संभावित चुनाव हो जाएंगे। देखिए, आपसे सवाल है कि आपको वोट लोग क्यों दें, आपके साथ क्यों जुड़े? उसी चीज़ को मैं बता रहा था कि हम पब्लिक के बीच में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मेरे को जिला सचिव की दायित्व दिया हुआ है और हम जमीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। वो और जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, मुझे लगता नहीं अभी तक तो उनके कहीं नज़र भी नहीं आ रहे, एक आध खम्भे पे बोर्ड नज़र आ गया होगा, लेकिन उन्होंने समाज सेवा करते हुए मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। और मैं आपके माध्यम से अपने आपके दर्शकों को ये अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि पूरे 5 साल, ऐसा नहीं कि आयुष्मान योजना बंद होगी तो हम अपना काम करना बंद कर देंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, विवाह सगन योजना है, आपने देखा हमने यहाँ पे लगा रखा है। अग्रवाल साहब, देखिए ये तो होगी सरकारी योजनाओं की बात, अब हम बात करते हैं सीधे तौर पर समस्याएं क्या होंगी जिन्हें आप दूर करने की बात करेंगे वार्ड के लोगों से कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूंगा। देखिए, वार्ड की जो जहां तक इंदिरा नगर की 3 से 4 समस्याएं मुख्य समस्याएं हैं, एक हमारा यामा वाला जो रोड है आरएमसी का बनना है, तो उस दिन जब हमने प्रोग्राम किया था विधायक जी के सामने हमने अपनी डिमांड रखी थी, विधायक जी ने हमारी उस मांग को मान लिया है। यहाँ पे सीवर लाइन डल चुकी है लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो विधायक ने उनके लिए भी कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सीवर लाइन को कनेक्ट कर दिया जाएगा। नालियों की सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, एक जो YMCA चौराहा आपने देखा होगा, जब ये लोग आते हैं अंदर अपना इंदिरा नगर में तो उनको थोड़ा रॉन्ग साइड चलना पड़ता है, तो हमने विधायक जी से कहा कि उस रेड लाइट को थोड़ा पीछे कर दें जिससे कि ये रॉन्ग साइड इनको ना चलना पड़े और ट्रैफिक की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से हो जाए। तो 4 इनकी मुख्य समस्याएं हैं, पीने की पानी की है, सीवर की है, स्ट्रीट लाइट की है और एक दो रोड जो RMC बनने हैं, ये 3 से 4 समस्याएं हैं। इन पे हम ध्यान देंगे, इन पे काम भी करेंगे। और जहां तक सेक्टरों का सवाल है, सेक्टरों में तो देखो सारे काम ऑलरेडी चलते रहते हैं लेकिन कुछ पार्कों में काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी उन पे ध्यान देते हैं, जहाँ तक सफाई की व्यवस्था या माली की कोई व्यवस्था, और जहाँ तक धौलपुर जो लग रहा है दीवारों पे जो धौलपुर लगना है, तो वो सब काम चल रहे हैं, हम उसको सेव करेंगे। वार्ड 38 की रूपरेखा बताना चाहेंगे, वार्ड 38 का मतलब वार्ड कहाँ कहाँ पर है आपका? देखिए, मेरा वार्ड 38 जो है सेक्टर 9 उसमें आता है, सेक्टर 10 उसमें आता है, सेक्टर 11 आता है। इंदिरा नगर के हमारे 6 बूथ हैं और हमारा मिलाड कॉलोनी है और रामनगर में 3 बूथ हैं हमारे और मिलाड में 2 बूथ। चलिए, अंत में कोई संदेश, कोई अपील गांव अपने वार्ड के लोगों से? देखिए, मैं अपने वार्ड के लोगों से ये अपील करता हूं कि जो ये सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे कार्यालय के द्वारा मिल रहा है वो हमारे कार्यालय पे एक बार आए, अगर वो नहीं आ सकते तो हमें फ़ोन करें, हम उनके घर जा करके उनकी जो सुविधाएं दे देंगे, और कुछ भी उनकी समस्या रहती है तो हमसे जरूर संपर्क करें, चाहे नंबर जारी किया जो आपसे संपर्क किया जा सके। हाँ, मेरा नंबर सारे बोर्डों पे भी लिखा हुआ है और हमने सबको अपने कार्ड वितरित किए हैं, पंपलेट भी, हैंडबिल भी हमने वितरित किए हैं। मैं फिर भी आपके माध्यम से नंबर बता देता हूँ, 9810074838 मेरा नंबर है, इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मुकेश अग्रवाल है, इन्होंने कहा है कि आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हम गरीबों के लिए ही समाज में आए हैं। प्रणाली का नंबर भी है 9717112774, उनका नंबर भी है, उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो बीच बीच में वो भी आकर के यहाँ पे सेवाएं करती है। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप कार्यालय देख लीजिए, वार्ड नंबर 38 से हैं मुकेश अग्रवाल और रंजना अग्रवाल,
क्योंकि महिला वार्ड है तो पार्षद पद की संभावित और प्रबल और मजबूत दावेदार हैं रंजना अग्रवाल। आप सभी इनकी बातों का समर्थन करते हो, मुकेश अग्रवाल की बातों का समर्थन करते हो, तो निश्चित तौर पर आप इनके साथ जुड़े और किसी भी और आप ये देखें, आप ये देख लीजिए कि जो कार्ड बने हुए इनके हाथों में लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्ड है जिनका वितरण करने का एक काम करेंगे। आपका भी कार्ड है, चलिए सभी के कार्ड हम सभी को दे देंगे, सभी को आप कार्ड देंगे जिनके कार्ड बने हुए हैं। हम बुला बुला करके उनको कह रहे हैं कि आप आ जाइए, आपका कार्ड बन गया और कार्ड ले जाइए। और देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, इन्होंने कार्ड बनवा के दिखाएंगे, ये कार्ड हम बनवा के इन सबको वितरित करेंगे। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।